राम राम, कैसे हैं आप लोग? और आज ना बहुत दिनों बाद मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है, वो दिखाता हूँ मैं। थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा, वैसे आपने हज़ार बार देखी होगी, पर मेरी फेवरेट चीज़ जो है बहुत दिनों बाद बन रही है, तो इसलिए थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। कहाँ पे बन रही है जी? मक्की की रोटी। वाह वाह, खूबसूरत नज़ारा रोटी का है। रोटी का भी नज़ारा होता है ना, सोच रहे होंगे आप, पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों बाद, बहुत मतलब कई महीनों बाद जो है मुझे मक्की की रोटी खाने को मिली। एक्चुअली ना वो हमारी जो चक्की है वो ख़राब हो रखी थी, इसलिए जो है वो मक्की का आटा नहीं निकाल सकते थे उसमें, तो इसलिए काफ़ी दिनों बाद जो है हमें मक्की की रोटी जो है वो खाने को मिलेगी, है ना? तो अच्छा लगा, आप लोगों को भी बताइएगा आप, है ना? और यहाँ पे मक्की भी भून रखी है। और भाई, सारे व्यूवरों को मैंने बार बार कहा था कि जिन्होंने मक्की खानी है ना, हिमाचल की, हिमाचल की ना मक्की बहुत अच्छी होती है और मीठी और स्वादिष्ट होती है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप लोगों को मक्की खानी है और ककड़ी खानी है तो आप हिमाचल आइए और हमारे घर रुकिए, तो आपको मक्की भी खिलाएंगे और ककड़ी भी खिलाएंगे। देखिए अच्छी लग रही है ना मक्की की रोटी, कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो भाई अच्छी लगती है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को अच्छी लगती है मक्की की रोटी कि नहीं। हमारे जो भावना और हिमांशु और सरिता है वो मक्की की रोटी नहीं खाते, और क्या बड़े भाई साहब भी हमारे, वो भी मक्की की रोटी नहीं खाते हैं। भाई मैं, माता जी और दीक्षित भी, है ना, दीक्षित भी अच्छा पसंद करता है मक्की की रोटी, और हमारे डैड जी भी पसंद करते हैं, माता जी भी, और मैं तो करता ही करता हूँ, दोबारा से बोल देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे खुशी हुई है ना इस बात की। तो ये पिछले कल हम गए थे बोरचारे में, मैं और जय भाई, तो वहाँ पे थोड़ा सा ही था प्रोग्राम, छोटा छोटा ही प्रोग्राम था, तो उसमें गए थे। और यहाँ पे बन रहा है मटर पनीर, तो देखिए अभी नज़दीक से भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि हमारा मटर पनीर जो है बन के तैयार हो गया, और सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई थी, लास्ट में यही हमने मटर पनीर बनाना था। और बस थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे झलक दिखाई आप लोगों को हमारे बिलासपुरी धाम की, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपनी बाइक के पास, और आप लोग भी चलिए जहाँ मैं जाता हूँ वहीं आपको लेके जाता हूँ, है ना? तो चलिए अभी चलते हैं, कहीं जा रहा हूँ मैं, और आप लोग भी चलिए हमारे साथ, और घूम भी आता है, थोड़ा सा काम है वो भी कर लेते हैं। और भाई धूप बहुत तेज़ है और थक थक के हो गए हैं बुरे हाल। अभी मैं घास की एक गड्डी लेके आया हूँ और अब जा रहा हूँ, जहाँ थोड़ा सा काम है वहाँ जा रहा हूँ, फिर चलिए आप लोग भी चलिए, है ना? और तो देखते चलते हैं क्या क्या हो रहा है आगे, है ना? चलो फिर। ये हमारे भाई साहब है और ये बहुत अच्छे कलाकार है, पहले भी दिखाया था मैंने एक बार, तो ये कलाकार पता किस बात के हैं? एक तो गप्पे इनके पास, दूसरी है बहुत हाँ, मजा आते हैं इनकी गप्पे पूछिए। सुनने का। और मुझे देखिए आप, नथुलाल जैसी हो मुझे हो तो, है ना? हाँ तो ये कलाकार क्या, देखो इनसे जो मर्जी काम करवा लो, चिनाई का और लकड़ी वाला और अपना बिजली का जो भी काम करवाना, चक्की, आटे की चक्की है वो इन्होंने ठीक करनी है, और टोके 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 का काम जो भी होता है वो भी ठीक करते हैं, तो हर एक काम करते हैं हमारे भाई साहब, और गप्पों के भी बहुत धनी है ना? तो अभी हम आए हैं भादरपुर, मैंने कहा था कि ओ, हमारे भाई साहब आ गए हैं घास की गड्डी उठा के, क्योंकि आजकल घास का ही काम चला है, तो मैं भादरपुर इसलिए आया था कि थोड़ा सा काम इनके साथ था, थोड़ा सा और एक बंदे के साथ है, तो उनसे बात कर लेता हूँ और फिर चलते हैं अभी दूसरे बंदे के पास। इनके इनके साथ होगी बातचीत जो करनी थी, है ना? क्यों भाई? हाँ जी, ओके। हाँ, तो इन्होंने मेरे को बोला कि कल या परसों तक आओ, तो भाई जिनके हाथ बात होती है ना वो कभी भी बुला सकते हैं कि नहीं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल अब हमने काम करवाना है तो हमें तो भाई दौड़ना पड़ेगा इनके पीछे। वो एक ही सिरे डूरू है, आ किस रहा है?
तो कुकड़ी मतलब आ रही है तुम्हारे आज तो मारनी नहीं है खाने जो भी छिल्लू भी आऊं। वेरी गुड यार, देख रहा काम भी मिंजो दस रहा। तू क्या सारा हूं सेवा करो नहीं तू क्या सारा नहीं यार सच्ची बहुत तू अरे यार आज है ना आ खाने जो ही फिर लाइट नहीं चली गई लाइट कुकड़ी है तो ये तुम्हारा पौड़ा पहले से ही बहुत बड़ा था ना मक्की क्या लेके है दिखाओ तो ऊपर करो और ऊपर करो और ऊपर करो और ऊपर करो दोनों एंड से। वाह ये खाने को है, हाँ जी है? आप भी खाते हैं तो यहाँ भी कर ले हाय कर ले हाय कर ले हाय कर ले ऐसे ऐसे कर लो हाय करना नो हाय कर लो तेरी फोटो बने पूरी वीडियो कर ले हाय कर ले करो। मैं राजीव की मुनि हूँ मैं हाय नहीं करती बात कर लेती हूँ ना छोटा चा बच्ची हुआ तू कणक ए लहूरी है मैं तो अच्छा चल कोई नहीं हुई जाना 2-3 हज़ार रुपया और तीन राय जोर क्या रे अरी यारे चल पूछगा हूँ तेजे भी क्या बोलो अस अच्छा 600 रुपया होना ना अच्छा चलो ये क्या कर रहे हो तुम अच्छा भाई क्या कर रहे हो तुम बोल रहे हो भोलेनाथ की बूटी कौन मैडम क्या चीज थी भाई ये बंगा तो यहाँ मैं कमल भाई को मिलने आया था और इनके साथ मुझे थोड़ा सा काम था। तो ये कमल भाई के गांव का लड़का है ये भी थोड़ी सी हेल्प करवा रहा है और कमल भाई को देखो आप तो इनसे मिलने आया था मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम था इनके साथ। चलो फिर और ये ट्रक पीछे से ले रहा था ना पहले स्टार्टिंग से ही लेने लगा था फिर वो वीडियो ऑन ही नहीं हुई और फिर ये निकल गया। और यहाँ पे देखिए घास ढो रहे हैं सभी एड़ा सोचो ही भाई माँ साथी कौन छो है दिख सूरज जोड़ा कर रही है पता नहीं क्या फीड आउंदी ना जो मेरी कमीज गंदी करती देखो
जी अभी हम ये वाले देखो, ये टंडे जो हमने रखे हैं सूखने, ये सूख चुके हैं अच्छे से। अभी इनको स्टोर कर लेते हैं, कैसे स्टोर करते हैं वो भी दिखाते हैं। पर इनको स्टोर करना पड़ता है ताकि बारिश से जो है वो ये ख़राब ना हो। इनको खड़ा खड़ा करके जो है वो रखना पड़ता है, क्योंकि पानी जैसे ऊपर से पड़ता है बारिश का तो वो एकदम से निकल जाए, इसलिए जो इनको खड़ा खड़ा रख के जो है वो खड़ा करके स्टोर करने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम जैसे ये बिछे हुए हैं वैसे रखें, ऐसा नहीं करना पड़ता। तो इनको खड़ा करके स्टोर करते हैं, तो दिखाते हैं आपको अभी। तो ऐसे हमें जो है, देखिए जैसे हमने अभी ये ऐसे खड़े करे, ऐसे खड़े करके जो है हमने इनको रखना है। और ये भी बड़े तरीके से जो है वो खड़े करने पड़ते हैं ये बाहरे, क्योंकि फिर हवा लगती है बरस सर्दियों में और फिर बारिश होती है, फिर जो है ये एकदम से घिर सकते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा तरीके से जो है इन्हें सेट करना पड़ता है। और ये अभी हमने 10-12 भारे जो है वो लगाए हैं, और बाकी अभी लगा लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सेटिंग कर लिया है अपने टंडों की। देखिए इस तरीके से जो है वो सेट करने पड़ते हैं ताकि बारिश का पानी सीधा नीचे आ जाए, मतलब इनके बीच में ना रहे, ताकि ये सड़े ना। इसलिए जो है ऐसे खड़े करके जो है ऐसे भारे लगाए जाते हैं, है ना। और ये यहीं पे हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं जी, है ना। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। चलो ठीक है जी, बाय, सी यू, टेक केयर एवरीवन।